रोहतक लोकसभा क्षेत्र का ताज किसके सर सजेगा, ये एक देखने का विषय होगा। लेकिन हुड्डा परिवार का गढ़ कहे जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट में क्या इस बार भी अरविंद शर्मा सेंधमारी करने का काम करेंगे, और क्या लगातार दूसरी बार अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतेंगे, ये सवाल कई लोगों के मन में है। लेकिन वर्तमान की अगर परिस्थिति को देखें तो हुड्डा परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। वहीं अरविंद शर्मा भी लगातार दूसरी बार इस गढ़ को फतह करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार हुड्डा परिवार में दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लगातार प्रोग्राम और रैलियां कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान सांसद अरविंद शर्मा भी लगातार क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए आ रहे हैं। रोहतक लोकसभा के अधीन दीपेंद्र हुड्डा खुद को रोहतक का बेटा बताते हैं। वहीं इस मामले में अरविंद शर्मा भी अपने आप को रोहतक लोकसभा के जिला झज्जर का बेटा बताते हैं। लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस बार रोहतक लोकसभा का ताज किसके सर पर सजेगा, चलिए आज की वीडियो में जानने का कार्य करते हैं। रोहतक लोकसभा की अगर बात करें, इस बार कांग्रेस की तरफ से अभी तक रोहतक लोकसभा में किसी भी कैंडिडेट का टिकट फाइनल नहीं किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर अरविंद शर्मा को दोबारा से चुनावी मैदान में उतारने का कार्य किया जा चुका है। डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक लोकसभा के क्षेत्र में कई इलाकों में अपनी पैठ जमाने में कामयाब भी रहे हैं। पिछले 5 वर्ष उनके कार्यकाल के अनुसार कुछ लोग उनसे खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उन पर आरोप भी लगा रहे हैं कि अरविंद शर्मा ने अपने दम पर कुछ भी नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ हुड्डा परिवार भी लगातार संशय में बरकरार बना हुआ है। एक तरफ अगर दीपेंद्र को रोहतक लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कांग्रेस या हुड्डा परिवार करता है तो उन्हें अपनी वर्तमान की राज्यसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ेगा, और ये राज्यसभा सीट कांग्रेस से खिसक के भारतीय जनता पार्टी को जानी 100% कन्फर्म मानी जाती है, क्योंकि विधायकों से राज्यसभा का चुनाव होता है। और अगर एक बार इस सीट से कांग्रेस इस्तीफा दे देती है तो कांग्रेस के हरियाणा में एक भी MP नहीं बचेगा, ना राज्यसभा में ना लोकसभा में। इसके बाद सारा अगर रोहतक लोकसभा सीट का परिणाम भी अरविंद शर्मा के समर्थन में आता है तो कांग्रेस के पास हरियाणा में ना तो कोई राज्यसभा की और ना ही कोई लोकसभा की सीट रहने वाली है। लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है, इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारे जा सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें, इससे पहले चौधरी देवीलाल के खिलाफ भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक लोकसभा सीट से 2 से 3 बार चुनाव जीतने का भी कार्य किया था। इसके बाद दीपेंद्र हुड्डा भी लगातार अक्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कभी अक्षेत्रों में इतनी ज़्यादा घुमा फिरी न करने वाले दीपेंद्र आज के दिन हर दुकान, हर गली, हर वार्ड, हर मोहल्ले को नापते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार हुड्डा परिवार किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहता और हरियाणा में कांग्रेस का सबसे सेफ गढ़ माने जाने वाली रोहतक लोकसभा सीट में कांग्रेस के जिताऊ कैंडिडेट्स में रोहतक लोकसभा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनावी मैदान में कांग्रेस द्वारा उतारे जा सकते हैं, क्योंकि रोहतक लोकसभा से ये ही जिताऊ कैंडिडेट शामिल दिखाई देते हैं और हुड्डा परिवार ही इस क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरता आया है। पिछली बार की अगर बात करें, पिछली बार अरविंद शर्मा को 5,73,845 मत प्राप्त हुए थे। वहीं रोहतक लोकसभा क्षेत्र से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 5,66,342 वोट प्राप्त हुए थे। मात्र 7,503 वोट के मार्जिन से अरविंद शर्मा ने रोहतक लोकसभा क्षेत्र से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने का कार्य किया था। अगर मुद्दों की बात करें तो अलग अलग मुद्दे इन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। अरविंद शर्मा केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार आपको दिखाई देगा वहाँ पर लगभग 400 पार का भारतीय जनता पार्टी का नारा, और प्रधानमंत्री की कार्यशैली के आधार पर रोहतक लोकसभा में रोहतक लोकसभा से कैंडिडेट डॉक्टर अरविंद शर्मा वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस कैंडिडेट या कांग्रेस प्रत्याशी जो अनुमानित है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा,
ये ज्यादातर अपने काम के आधार पर वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे रोहतक का मेट्रो का मुद्दा आज के दिन कांग्रेस द्वारा सबसे ज्यादा उठाया जा रहा है कि अरविंद शर्मा रोहतक मेट्रो में 5 वर्ष में एक पत्थर भी नहीं लगा पाए। इस प्रकार के आरोप कई व्यक्तियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज की बात करें तो रोहतक को कोई खास यूनिवर्सिटीज नहीं दे पाए। इस प्रकार के आरोप भी लगातार डॉक्टर अरविंद शर्मा पर लगाए जा रहे हैं और एक कठपुतली शासक की तरह अरविंद शर्मा को कांग्रेस के कई नेताओं द्वारा बताया गया है कि ये जो एमपी हैं इनकी खुद की नहीं चलती है, ये दूसरों के आधार पर क्षेत्र में काम करके या केंद्र नेतृत्व के बातों को मान करके रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं वो करते हैं। अगर बजट की बात करी जाए तो बजट पर भी पिछले दिनों सवाल उठाया गया था कि रोहतक लोकसभा से एमपी अरविंद शर्मा को कुल जितना बजट मिला वो उस बजट का लगभग आधा बजट तो खर्च भी नहीं कर पाए, तो क्या वे रोहतक का विकास करेंगे। इस प्रकार के सवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर उठ रहे हैं और रोहतक लोकसभा सीट से कैंडिडेट अरविंद शर्मा पर उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस के ऊपर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनमें लोकसभा क्षेत्र में जब यहाँ पर फसलों के चेक की बात हुई थी तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में किसानों को 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 13 और 20 रुपये के चेक भी देने का कार्य किया गया था। उस बात से भी कुछ व्यक्ति खासे नाराज दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये सवाल भी उठाने का कार्य किया जा रहा है। एक भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर एक खास बात का जवाब भी मांग रही है कि भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों में कि हुड्डा परिवार ने रोहतक, सोनीपत, झज्जर के क्षेत्रों का ज्यादा विकास किया है अन्य हरियाणा के क्षेत्रों के मुकाबले। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र में जब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वोट्स मांगते हैं तो वो क्षेत्रवाद की राजनीति में किसी प्रकार का कोई भी सवाल जवाब नहीं करते। वो कहते ही नहीं कि यहाँ भी विकास किया है और बाकी हरियाणा में वो कहते हैं कि इन 3 जिलों का विकास हुड्डा परिवार ने किया है। लेकिन और क्षेत्रों में जब वे कैंडिडेट खुद रोहतक, सोनीपत और झज्जर क्षेत्रों में वोट मांगते तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भी हुड्डा परिवार ने किसी प्रकार का विकास करने का कार्य नहीं किया है। इसके बाद अगर बात करें महम सीट की, महम सीट लोक विधानसभा सीट से बलराज कुंडू एमपी हैं जो कि निर्दलीय या एक छोटी पार्टी से संबंध रखते हैं। गढ़ी सापला किलोई से स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमएलए हैं। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस के भारत भूषण बत्रा एमएलए हैं। कलानौर एससी सीट से शकुंतला खटक जो कि कांग्रेस की कैंडिडेट थी, कांग्रेस की एमएलए हैं। इसके बाद बहादुरगढ़ से चौधरी राजेंद्र सिंह जून एमएलए हैं। बादली से कांग्रेस के कुलदीप वत्स भी एमएलए हैं। झज्जर एससी सीट से गीता बुक्कल कांग्रेस की एमएलए हैं। कोसली से भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र एमएलए लक्ष्मण यादव जी हैं। इसके बाद बेरी विधानसभा क्षेत्र से रघुवीर काद्यान जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं। अगर इन पूरे एमएलए को देखा जाए तो यहाँ पर 7 सीट हैं विधानसभा की, 7 में से 5 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए हैं, यानी कि लोकसभा क्षेत्र के मुकाबले पिछली बार कांग्रेस ने विधानसभा में ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रोहतक लोकसभा की वोटों पर या रोहतक लोकसभा की विधानसभा सीटों पर करने का कार्य किया था। यानी कि लोकसभा से कंपेयर करें तो लोकसभा में कांग्रेस को कम वोट मिले और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से कई ज्यादा गुना वोट देखने को मिले। लेकिन इस बार अगर बात करें तो कांग्रेस मुद्दों पर बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगने का कार्य कर रही है। दीपेंद्र हुड्डा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों, सापला जैसे क्षेत्रों में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस बार दीपेंद्र हुड्डा के लिए 2 सबसे बड़े चैलेंज भी दिखाई दे रहे हैं। एक तो बहादुरगढ़ शहरी सीट से पिछली बार कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारे थे शहरी वोटों में। दूसरा कोसड़ी लोक विधानसभा क्षेत्र भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए शुरू से ही चैलेंज माना जा रहा है। अहिरवाल क्षेत्र कहे जाने वाले कोसड़ी से दीपेंद्र सिंह हुड्डा कई बार वोटों के मामले में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इस बार हुड्डा परिवार कांग्रेस के गढ़ को बचाने में कामयाब होगा या फिर दोबारा से अरविंद शर्मा इस किले में सेंधमारी का काम करके लोकसभा में जाने वाले हैं। कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय और प्रतिक्रिया देने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।